अब एक चीज सोचो तुम्हें खुद समझ में आएगा कि जब जैसे मान लो बाउल में आप एक छोटा सा पार्टिकल डाल दो और उसे घुमा दो, कई बार अपन घर में खाना वाना खाते हैं तो कटोरी वटोरी खेलते हैं बचपन में, सबने खेला होता है उसमें, क्या नॉर्मल है। अरे यार हाँ ना बोल, तो तुम्हारे घर में कटोरी नहीं है? ऐसी कटोरी बना लेते, सब्जी रख लेते इधर। तो यार आवाज नहीं, हाँ ना बोल यार। क्या यार इतने दिनों बाद मिले, तब भी अंतु नहीं है तुम्हें, सीधा खड़े हो, मैं इतना बुरा लगता हूँ तुम लोगों को? चले रामलाल कहीं गए, तीन दिन कैसे निकले तुम्हारे बिना मेरे, तुम जानते नहीं एकदम। चला तड़प रहा था मैं तुमसे मिलने के लिए। अरे यार हाँ ना बोल। अगर आप हाईवे पे गए हो तो हाईवे पे स्पीड ब्रेकर, बट इंडिया है, गांव आते ही लोग बाग बनाए थे। साला हमारा तो बच्चा छोटा है अभी, खेलेगा कहाँ हो? अरे यार हाँ ना बोल। वो स्पीड ब्रेकर अवैध होते हैं, वो ऐसे ही बनाते हैं बस। अच्छा कभी गए नहीं हो हाईवे? हाईवे पे स्पीड ब्रेकर अलाउड? नेशनल हाईवे कोई होगा तो उसमें स्पीड ब्रेकर फिर भी हमें दिखते हैं, वो गांव वाले होते हैं। उसमें खड़ा धड़ाम गाड़ी, यार हाँ ना बोल। तो गांव वाले बनाते, भाई हमारे बच्चे छोटे हैं तो वो खेलने हैं तो ऐसे, यार हाँ ना बोल। अपन ने भी बनाए हुए छोटे छोटे दो साल आके तो देख इधर उधर, अरे बन रहे ना अपने इधर उधर यार, अपन ने तो बनवाए ले साल, रोड चल रही है ये लो हमारे बच्चे छोटे ये देख। कहता जो बोला चमका, कोई बुराई, कहता जो बोला चमका संभल लो जी। तो ऐसे मान लो मैं आपको बोलूं कि संबल कार के बारे में चर्चा करते हैं, किसके बारे में? कार। अगर आप कार के बारे में चर्चा करें तो पहले बताओ कार को चलाता कौन है? कौन? ड्राइवर। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर आंसर। कार को चलाता कौन है? ड्राइवर। ऐसे आंसर लिख के आना, इसलिए तो मैं कहता हूँ तुम्हारी सोच सही है पर आईटी वालों से मिलती, बस वही अंतर है, बस वो मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा आपने जो बोला है वो आंसर सही है, बट ये वाली बात आईटी वालों को समझ नहीं आई, कुछ और सोचते हैं। बोले तो कार को चलाता कौन है? कि इंजन? दोनों। बिना इंजन की कार चल जाती है तुम्हारे? कार में बैठो फ्रिक्शन से, बोल चला भाई, गधेड़े हो तुम तो। कौन चलाता है? अच्छा कार घूमती भी कैसे? गोल। कार घूमती कैसे? गोल। कार तुम अपने एक्सपर्ट कमेंट अंदर ही रखा करो। कार को घुमाता कौन है? कैसे? पहली बार द सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच। ये सेकेंड हैंड का मतलब वो सेकेंड वाली सुई है, घड़ी पुरानी नहीं है। द सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच। हो गया सो गया आसमान।